वन मन की चंचलता के बारे में आपने जो कुछ कहा है ठीक है ये परेशानी अक्सर सत्संगियों को होती है लेकिन अभ्यास द्वारा मन को वश में किया जा सकता है ये चंचलता संसार में हमारी दिलचस्पी तथा हमारे संबंधों तथा राग द्वेष के भावों से पैदा होती है जिस समय हम मन को स्थिर करना चाहते हैं यह सब भाव चुपके से सामने आ जाते हैं और हमारे मन रूपी समुद्र में लहरें उठाते हैं ऐसे समय में प्रेम और लगन के साथ ध्यान को तीसरे तिल पर रखकर सिमरन करने से बहुत मदद मिलती है निराश नहीं होना चाहिए बल्कि बार बार कोशिश करते रहना चाहिए फिर भी अगर भजन के समय विचार और उलझने आपको परेशान करना बंद न करें तो आप उन्हें शांति से एक तरफ हटा दीजिए और मन से कहिए कि जब तक आपका भजन का समय पूरा ना हो तब तक चुप रहे मन बंध कर चलना पसंद नहीं करता मन को वश में करना एक जंगली घोड़े को साधने या प्रशिक्षित करने के समान है मगर उसे साधा जरूर जा सकता है बावन सत्संगियों को जगर के सत यानी लिवर एक्सट्रैक्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन एक दवा बेचने वाले के पास सभी तरह के लोग आते हैं जब तक सत्संगी केमिस्ट ऐसी दवाइयों का खुद इस्तेमाल नहीं करता उन्हें केवल बेचता है तब तक कोई आपत्ति नहीं हो सकती हमें मोटे तौर पर एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना है आर्थिक समस्याओं का सामना साधारण ढंग से करना चाहिए और उन्हें उसी प्रकार सुलझाना चाहिए जिस प्रकार और लोग सुलझाते हैं तथा उन्हें भजन सिमरन के साथ कभी भी नहीं जोड़ना चाहिए भजन सिमरन का तो ये प्रभाव होना चाहिए कि शिष्य इस उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाए आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको सरदार बहादुर जी से नामदान मिला है और जैसा आप कहते हैं जब आप अंदर सहसदल कमल में पहुंचेंगे तो आप उनसे सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे इन सब कठिनाइयों से छुटकारा पाने का यही अचूक उपाय है कि जहां तक हो सके भजन सिमरन में अधिक से अधिक समय दिया जाए और नौ द्वारों को खाली किया जाए त्रेपन जो कुछ हुजूर महाराज जी ने आपको नामदान के समय बताया था उसकी याद दिलाने से अच्छा संदेश मैं नहीं दे सकता इंसान की जिंदगी बहुत कीमती है और हजारों वर्षों के बाद हमारी मनुष्य जन्म पाने की बारी आई है इस अवसर को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए और अपने काम काज निपटाने के बाद बचे हुए प्रत्येक क्षण को भजन सिमरन में लगाना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अंदर जा सकें और जन्म मरण के चक्कर को समाप्त कर सकें चौवन आपने बहुत अच्छा किया कि इस बात से संबंधित सारे तथ्य अपने अधिकारियों के सामने रख दिए हैं और सुनवाई के लिए विनती कर दी है अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने मामले को बगैर पैरवी के नहीं जाने देना चाहिए परेशान होने या चिंता करने से कभी किसी को कोई लाभ नहीं हुआ अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए आपको उचित कदम उठाने चाहिए और अंतर में सदगुरु से प्रार्थना करनी चाहिए पचपन वो यानी सदगुरु जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है जो बात हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत अच्छी है हो सकता है कि वह भौतिक या दुनियावी दृष्टि से अच्छी लगने वाली ना हो फिर भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और नतीजा चाहे वो सफलता हो या असफलता पूरी तरह से सतगुरु पर छोड़ देना चाहिए छप्पन अपने सदगुरु के भंडारे के पुण्य अवसर पर मौजूद होने की आपकी इच्छा को मैं अच्छी तरह से समझता हूं लेकिन संसार में हमें ऐसे कई जरूरी कामों को भी निभाना है जिन्हें टाला नहीं जा सकता सदगुरु हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमारे विचारों को जानते हैं पर संसार के लोग तो नहीं जानते इसलिए हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने और जिम्मेदारियों को पूरा करने का अधिक ख्याल रखना चाहिए आपने जो उस दिन के बारे में इतनी प्रबलता के साथ सोचा और यहां उपस्थित होने की तीव्र इच्छा की वही अपने आप में काफी है क्योंकि मन से आप यहीं थे जैसा आपके सदगुरु ने आपको बताया होगा और आपने सत्संगों में सुना और पुस्तकों में पढ़ा होगा कि सत्संगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है नियम पूर्वक भजन सिमरन द्वारा आत्मिक शांति संसार से अनासक्ति और शब्द में आसक्ति प्राप्त कर सिमरन इस संपूर्ण साधना का आधार है और यह सिमरन किसी भी मनुष्य द्वारा किसी भी अवस्था में किया जा सकता है चाहे वो चल फिर रहा हो चाहे बिस्तर में लेटा हो जरूरत सिर्फ ध्यान को बाहर की ओर से अंतर की ओर मोड़ने की है धीरे धीरे ये एक आदत बन जाती है तब आप देखेंगे कि ध्यान को अंतर की ओर मोड़ना वहां ठहराना और शब्द धुन को जो आपको पार ले जाएगी पकड़ना पहले से कहीं आसान है जितनी अधिक कोशिश आप अपने ध्यान को दोनों आंखों के बीच में एकाग्र करने की करेंगे आपकी आंतरिक दृष्टि भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी स्वामीजी महाराज ने भी कहा है कि अगर किसी के लिए सत्संग में शरीक होना संभव नहीं है तो उसे वो समय पुस्तकों के पढ़ने भजन सिमरन करने और ध्यान को एकाग्र करने में लगाना चाहिए जब कभी अवसर मिले आप यहां आ सकते हैं परंतु अगर आप किसी खास दिन नहीं आ सकते तो कृपया इसकी चिंता न करें सत्तावन हमें इस संसार में इसलिए भेजा गया है कि यहां आकर अपने अंतर में परमात्मा से मिलाप करें हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों की वजह से हैं और जब तक हम मालिक की मौज में चलने की कोशिश करते रहते हैं चाहे उसके प्रिय या अप्रिय कैसे भी नतीजे हों तब तक हमें अपनी रूहानी तरक्की में मदद मिलती रहती है अपने परमपिता के घर वापस जाना ही मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य है बाकी सब काम तो हम सिर्फ संसार में अपने गुजारे के लिए ही करते हैं पर ऐसा करते हुए हमें अपने उस परमपिता को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें ये सब वस्तुएं दी हैं आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको सतगुरु से मिलाप करने की युक्ति समझाई गई है इसलिए भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देने का यत्न करें क्योंकि इससे ही आत्मा निर्मल होती है और मुक्ति की प्राप्ति होती है इस कार्य के लिए जितनी अधिक कोशिश हम करते हैं अंतर से उतनी अधिक दया मेहर और बख्शिश प्राप्त होती है सतगुरु हमारे अंतर में हैं बहुत ही पास हैं किंतु बीच में मन का पर्दा है अगर हम अपने मन मंदिर को साफ और खाली कर दें और प्रेम तथा आशा के साथ उनकी बाट देखें तो वह हमें दर्शन देना अवश्य मंजूर कर लेंगे मन को निर्मल करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेम और भक्ति के साथ पांच नाम के सिमरन द्वारा शरीर के नौ द्वारों को खाली करना विश्वास और निराशा एक दूसरे के विरोधी हैं सच्चा सुख तो अपने आप को अंतर में सदगुरु के हवाले कर देने और उनकी शरण लेने में ही है इसलिए कृपा करके और अधिक विश्वास तथा प्रेम के साथ अभ्यास को जारी रखें अंतर में मौजूद सदगुरु बाकी हर बात का ख्याल रखेंगे नतीजा उनके हाथ में है तथा जो कुछ भी होगा आपके आत्मिक लाभ के लिए ही होगा अट्ठावन सारी सृष्टि ही धूप छाओं का खेल है तूफान आते हैं और चले जाते हैं पर हमें डोलना नहीं चाहिए अगर हम अपना प्रतिदिन का कर्तव्य पूरा करते हैं अर्थात भजन को पूरा समय देते हैं जैसा हमने नाम लेने के समय वचन दिया था तो हमें बल और भरोसा पैदा होगा और सद्गुरु में विश्वास होने के कारण मन शांत और स्थिर रहेगा सद्गुरु हमेशा हमारी मदद करते रहते हैं और हमें सहारा देते रहते हैं अगर हम नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं तो जो कुछ भी सदगुरु हमारे लिए कर रहे हैं उसे हम देख सकते हैं महसूस कर सकते हैं मुझे खुशी है कि आपने पूरी लगन के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है और कोई वजह नहीं कि आप तरक्की न करें उनसठ आप ठीक कहते हैं कि जीवन न केवल नीरस है बल्कि जीवन में मनुष्य अकेला भी है वो ये महसूस करने की कोशिश करता है कि उसके साथी हैं पर ऐसा भी वक्त आता है जब वो अनुभव करता है कि संसार में वो अकेला आया था अकेला है और उसे यहां से अकेले ही जाना पड़ेगा वास्तव में इस संसार में ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आखिर किसी ना किसी रूप में अपने साथ दुख को न लाता हो अगर यहां मन की शांति है तो वह सांसारिक सफलताओं में या सांसारिक मोह में नहीं केवल नाम में है आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको बड़े महाराज सावन सिंह जी से नाम मिला है आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए साठ मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपको बड़े महाराज सावन सिंह जी से नाम मिला हुआ है आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक दुर्लभ बख्शिश है और आपको जहां तक हो सके भजन सिमरन में ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप गुमराह हो गए हैं या अपने पथ से भटक गए हैं तब तो और भी जरूरी है कि आप भजन में पहले से अधिक समय दें वे यानी महाराज जी आपके अंदर हैं और बेहतर होगा कि आप उनसे क्षमा की याचना करें सांसारिक बातों में यहां तक कि अच्छी से अच्छी परिस्थितियों में भी कोई सुख और रस नहीं है फिर भी अपने परिवार की और अपनी देखभाल के लिए आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए और भजन सिमरन को ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहिए इकसठ जब तक आप पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो तब तक अपनी नौकरी बदलने या डेरे में आकर बसने के बारे में जल्दबाजी करने की कोशिश न करें ये एक बहुत अच्छी कामना हो सकती है पर सद्गुरु में हर वक्त पूर्ण विश्वास रखते हुए तथा प्रेम के साथ अपने भजन सिमरन को नियम पूर्वक निश्चित समय पर करते हुए जो कुछ हो रहा है उसमें संतोष करें आपने जिस बात का वर्णन किया है वो अच्छी है पर आप लगन पूर्वक जुटे रहें और किसी भी तरह के विचारों को भजन के समय बाधा न डालने दें ये अच्छा है कि आपको प्रकाश के श्वेत खंड दिखाई देते हैं पर आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए आप केवल ध्यान टिकाए रखें और जो सामने नजर आए उसे देखें समय आने पर शब्द और प्रकाश दोनों स्पष्ट हो जाएंगे आमतौर पर घंटे की धुन से पहले दूसरी मामूली आवाजें सुनाई देती हैं इसलिए आपको इससे चिंतित नहीं होना चाहिए दाहिने कान से जो भी आवाज आती हो उसे सुनें और अगर आपको एक से अधिक आवाजें सुनाई देती हों, तो नीचे की धुंधली आवाज को छोड़कर स्पष्ट और आकर्षक आवाज को पकड़ें तब आप घंटे की धुन तक पहुंच जाएंगे बासठ सतगुरु अमर हैं उनकी शक्ति वही है जो पहले थी और जिन शिष्यों को उन्होंने नामदान दिया है उनकी वो अब भी संभाल कर रहे हैं अगर हम ये बात नहीं समझते तो दोष हम में ही है क्योंकि हम अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश नहीं करते और अंदर नहीं जाते इस हालत में ना तो हम सदगुरु से संबंध जोड़ पाते हैं और ना ही ये देख पाते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये सोचते रहने की के बजाय कि क्या सदगुरु द्वारा शरीर छोड़ने के साथ उनकी शक्ति भी चली गई है ये बेहतर होगा कि आप पूरे विश्वास और प्रेम के साथ प्रतिदिन कम से कम ढाई घंटे बिना नागा भजन सिमरन करके अपना कर्तव्य पूरा करते रहें इस प्रकार आप उन कर्मों को जो आपका रास्ता रोके हुए हैं समाप्त करने का प्रयत्न करें और अंदर जाए सहायता और मार्गदर्शन आपको अंदर से मिलेंगे सतगुरु हरदम वहां मौजूद हैं और आपकी बाट देख रहे हैं कि कब आप अपनी पूरी कोशिश करें और उनसे आ मिलें एक अच्छा सत्संगी प्रसन्नता के साथ अपने प्रारब्ध या होनी को स्वीकार करते हुए और ये जानते हुए कि अपनी सब मुसीबतों का जिम्मेदार वो खुद है अपने गुरु में अपना विश्वास और भरोसा रखता है और न केवल रोज के ढाई घंटे ही बल्कि अपना सारा खाली वक्त भजन सिमरन में लगाता है हमारा उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है सांसारिक लाभ की प्राप्ति नहीं किंतु अगर कोई प्रेम के साथ अपना कर्तव्य पूरा करता है तो उसे दोनों ही प्राप्त हो जाते हैं त्रेसठ आम तौर पर हम ऐसी दवाइयों के इस्तेमाल के पक्ष में नहीं हैं जिनमें ज्यादा मात्रा में अल्कोहल या शराब हो होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनकी केवल कुछ बूंद ही ली जाती है इसमें शामिल नहीं हैं जिस टॉनिक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हो सके तो उसकी जगह दूसरी दवा ढूंढने की कोशिश करें पर अगर उसकी जगह कोई ऐसी दवा न मिले जिसमें अल्कोहल की मात्रा कम हो और जिसकी खुराक भी कम हो तो आप उसे तब तक ले सकते हैं जब तक उसका सेवन अत्यंत आवश्यक हो कृपया ये भी याद रखें कि टॉनिक का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब शरीर दुर्बल हो और आप अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से पूरा न कर सकते हो ऐसी हालत में आपका मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए कि आप इस संसार में अपने कर्तव्य पालन के लायक हो जाएं और नियमित रूप से अपना भजन सिमरन भी कर सकें आशा है इसमें आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है चौसठ मैं आपकी कठिनाइयों और उन परिस्थितियों को जिनमें से आप गुजर रहे हैं अच्छी तरह समझता हूं पर आप जानते हैं कि हम अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकते चाहे वे इस जन्म के कर्मों के फल हों चाहे पूर्व जन्मों के सत्संगियों को धैर्य और प्रसन्नता के साथ अपने सतगुरु के आदेशों का पालन करते हुए और उनकी दया मेहर पर भरोसा रखते हुए उन्हें भुगत लेना चाहिए वे सूली का सूल कर देते हैं जो हम भुगत रहे हैं वो तो हमें दिखाई देता है लेकिन जिनसे हमें बचा दिया गया है उन्हें हम नहीं देख पाते आप सद्गुरु की दया मेहर पर भरोसा रखते हुए नौकरी पाने की कोशिश करते रहें समय आने पर आपको अपने प्रयत्नों का फल जरूर मिलेगा चाहे ऐसा करना मुश्किल लगे तो भी इन सब कठिनाइयों में कभी भी सतगुरु को न भुलाएं और न ही अपने प्रतिदिन के भजन सिमरन को छोड़ें सठ किसी के भी सत्संग में जाने में कोई हानि नहीं है एक गैर सत्संगी के लिए सत्संग सुनने का उद्देश्य होता है संतमत के बारे में अपने बारे में और अन्य विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना पर सत्संगी के लिए उसका उद्देश्य है मन को एकाग्र करना और जहां तक तो हो सके अधिक से अधिक समय भजन सिमरन में देना महाराज सावन सिंह जी ने बड़ी दया करके आपको नाम बख्शा है और अब आपके लिए सत्संग का उद्देश्य है भजन सिमरन में अधिक से अधिक समय देने की इच्छा उत्पन्न करना सत्संग मन को एकाग्र करने में हमारी मदद करता है हमें महाराज जी की याद दिलाता है और हमें अपनी कमियों और दोषों का एहसास करवाता है जिस सत्संग में ये सब बातें नहीं होती वो सत्संग किसी काम का नहीं सारे परिवार का सत्संग के लिए इकट्ठे होना बहुत अच्छा है पर उसके बाद करीब एक घंटे के लिए भजन में बैठना हमेशा लाभदायक होता है अगर इस प्रकार के पारिवारिक सत्संग से आपका मन संतुष्ट नहीं है तो आप जिस सत्संग में चाहें जा सकते हैं छियासठ काम बहुत बड़ी ताकत है और इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे दबाया ना जाए बल्कि इसकी ताकत को ऊपर की ओर मोड़ा जाए महाराज सावन सिंह जी कबीर साहब के काम पर लिखे दोहों को धीमे स्वर में पढ़ने की हिदायत दिया करते थे अच्छी संगति करना और अच्छी नैतिक तथा आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी लाभदायक है पर सिमरन सबसे कारगर साधन है देर तक और नियमित रूप से किया गया सिमरन मन को अंतर्मुखी कर देगा और उसे शब्द से जोड़ देगा शब्द ही सार वस्तु है जब इस दिव्य धुन का आनंद मिलेगा तो आप मन और इंद्रियों के सुखों को भूल जाएंगे अगर सिमरन के समय वासनापूर्ण विचार परेशान करें तो अपनी आंखें खोल दें और धीमी आवाज में तब तक सिमरन करते रहें जब तक आपको फिर से आंखें बंद करना जरूरी न लगे धीमी आवाज में ये सिमरन इस तरह करना चाहिए कि और लोग उसे न सुन सकें भजन में बैठने से पहले महाराज जी से प्रार्थना करें सड़सत इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके कुछ किराएदार शाकाहारी नहीं हैं आप मकान को किराए पर देने के बाद किरायेदारों पर बंदिश नहीं लगा सकते अड़सठ मुझे दुख है कि आपको जिंदगी में इन सब कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है संसार की किसी भी चीज में स्थायी शांति नहीं है अगर हम शांति पा भी लेते हैं तो वो बहुत कम समय तक रहती है सच्ची और स्थायी शांति नौ द्वारों को खाली करके ध्यान को शब्द से जोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है आपको नामदान के समय पूरी युक्ति समझा दी गई है अब आपको चाहिए कि जो कुछ आपने सीखा है उस पर अमल करें और उस शांति को प्राप्त करने की कोशिश करें आपको इतनी लंबी यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं आप जहां भी हैं वहीं अपना समय भजन सिमरन को दें क्योंकि मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य यही है कि हम शब्द में लीन होने का यत्न करें अगर आपको इसमें कोई कठिनाई हो तो मैं हरदम आपकी सेवा में मौजूद हूं आपकी सहायता करने में मुझे खुशी होगी उनहत्तर मैं आपकी स्थिति को अच्छी तरह समझता हूं। जो सलाह बड़े महाराज जी सत्संगियों को दिया करते थे मैं वही दोहराऊंगा खुद अच्छे और ईमानदार होना काफी नहीं है परमात्मा और सतगुरु के सामने ये गुण सहायक होते हैं पर दुनिया और दुनिया की परिस्थितियों का मुकाबला करते समय थोड़ी व्यवहार कुशलता या होशियारी की भी जरूरत होती है खुद नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए हमें अपने मातहतों और अफसरों के साथ अच्छे संबंध कायम करने चाहिए और अपने अफसरों को नाराज़ होने का कोई मौका नहीं देना चाहिए ये न केवल एक अच्छी नीति है बल्कि इससे भजन सिमरन में भी काफ़ी सहायता मिलती है क्योंकि तब हमें ऐसी कोई चिंता नहीं होगी जो हमारे ध्यान को भंग कर सके सत्तर वो सत्संगी बहुत खुशनसीब है जिसे अंतर में सतगुरु के दर्शन होते हैं और उसे उनकी सहायता का अनुभव होता है उसे और चाहिए ही क्या निसंदेह घमंड करना बुरी बात है सब कठिनाइयों और प्रलोभनों में सत्संगी को सतगुरु का ध्यान करना चाहिए और उनसे मदद और संभाल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तब कोई घमंड कोई अहंकार नहीं रहेगा संसार प्रलोभनों से भरा हुआ है और परमार्थी मार्ग पर चलने वाले यात्री को ख्याल रखना चाहिए कि ये प्रलोभन उसके मार्ग में आएंगे और उसका इम्तिहान लेंगे सत्संगियों को इनके बारे में सावधान रहने की हिदायत दी जाती है परमार्थ का मार्ग बाहरी दुनिया में ही नहीं बल्कि अंदर भी प्रलोभनों से भरा हुआ है हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जो मनुष्य इस संसार में प्रलोभनों के सामने झुक जाता है वो आंतरिक मंडलों में भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता प्रलोभन वे कसौटियाँ हैं जो हमें यह बताती हैं कि वास्तव में हम कहां या किस स्तर पर हैं फिर भी अगर मनुष्य एक बार असफल होता है तो उसे फिर कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हम गिरते हैं फिर से उठने के लिए गिरने के अनुभव से सबक लेकर और भी अधिक विश्वास और भक्ति भाव के साथ दोगुनी लगन और सावधानी से अभ्यास में जुड़ जाना चाहिए और मन के मोहजाल से होशियार रहना चाहिए अगर आप सदगुरु को पुकारेंगे तो वे संकट के समय आपकी सहायता तथा आपका पथ प्रदर्शन करेंगे और आपको बचा लेंगे शब्द आपके अंतर में है लगन पूर्वक निरंतर सिमरन और ध्यान करके आप उसके साथ जुड़ सकते हैं अगर आप घुड़सवारी या पैदल लंबी सैर करते समय या ऐसे और मौकों पर मन में नाम के सिमरन का अभ्यास करेंगे तो आपको धीरे धीरे सूरत को तीसरे तिल में ठहराने की आदत हो जाएगी और शब्द भी अधिक आसानी से सुनाई देने लगेगा इकहत्तर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप डेरे आने के बारे में ज्यादा चिंता न करें बल्कि जहां भी आप हैं भजन सिमरन करते रहें यूं भी मन की भावना ही अधिक महत्वपूर्ण होती है नींद आने के बारे में दो बातें हैं पहली आपको पर्याप्त शारीरिक आराम करना चाहिए दूसरी अपने ध्यान को दोनों भावों के बीच में रखने की कोशिश करनी चाहिए जब तक ध्यान वहां रहेगा आप नींद से बचे रहेंगे अगर आप सो जाते हैं तो इसकी वजह यही है कि आपका ध्यान केंद्र से गिर जाता है अभ्यास से सब कुछ आसान हो जाता है बहत्तर मुझे खुशी है कि आप नाम की बख्शिश की कद्र करते हैं सब कुछ हमारे अंतर में है इसलिए इस मार्ग या तरीके का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती बस धीरे धीरे ख्याल को समेट कर तीसरे तिल में एकाग्र करने का अभ्यास करना है और सजग और सचेत रहते हुए शब्द को पकड़ना है जो हर जगह फैला हुआ है शब्द आपको आपके सच्चे घर ले जाएगा सदगुरु को ढूंढने और उनसे अंतर में मिलने का यही सही तरीका है यह हमारे प्रतिदिन के कर्तव्यों को पूरा करने में कोई बाधा नहीं डालता मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार इस अभ्यास को समय दे सकता है और साथ ही समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी निभा सकता है मुझे उम्मीद है कि आप अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा वक्त देंगे तिहत्तर हमें सिमरन द्वारा सूरत को समेटकर तीसरे तिल में लाना है जो मन और आत्मा का स्वाभाविक निवास स्थान है संसार के कारोबार करने के लिए सूरत यहां से उतरकर सारे शरीर में फैल जाती है ये एक कुदरती प्रक्रिया है गहरे चिंतन भावों के आवेश और किसी आघात के समय को छोड़कर साधारण लोगों की सूरत शरीर के निचले भाग से बहुत कम आंखों से ऊपर जाती है पर सत्संगियों को इसे धीरे धीरे शरीर से समेटकर रोज केंद्र पर लाने का अभ्यास सिखाया जाता है जब अभ्यास पूर्ण हो जाता है अर्थात जब पूरी चेतनता को आंखों से ऊपर तीसरे तिल में समेटकर शरीर को खाली कर दिया जाता है तब उतनी देर के लिए शरीर मुर्दे के समान हो जाता है पर जब भजन की बैठक का निश्चित समय पूरा हो जाता है तब सूरत या चेतनता फिर से शरीर के आंखों से निचले भाग में लौट आती है इससे शरीर को या बौद्धिक शक्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचता बल्कि वे अधिक बलवान और तेज हो जाती हैं सुरत के पूरी तरह से सिमट जाने पर ही हम सही अर्थों में शब्द से जुड़ते हैं एक बार इस अवस्था में पहुंचने पर फिर शब्द से संपर्क नहीं टूटता इससे पहले ये संपर्क बीच बीच में टूटता रहता है क्योंकि अभी शब्द से संबंध गहरा और पूरा नहीं होता जब भी आप भजन में बैठें और ध्यान को एकाग्र करना कठिन प्रतीत हो तो सार बचन या किसी अन्य संतमत के साहित्य से एक शब्द पढ़ें और फिर भजन में बैठें इससे बहुत लाभ होगा सतगुरु सदैव अंतर में मौजूद हैं पर हमारी सूरत फैली हुई है इसलिए हम उनसे मिलाप नहीं कर सकते चौहत्तर भूत प्रेतों आदि के बारे में लोगों ने आपसे जो भी कहा हो उस पर ज्यादा ध्यान न दें बात चाहे कुछ भी हो अगर आप प्रेम और विश्वास के साथ अपने ध्यान को सिमरन में रखेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकेगी और ना कोई नुकसान ही पहुंचा सकेगी सतगुरु अपने शिष्यों की रक्षा और उनके मार्गदर्शन के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं हां भजन सिमरन में सत्संगी सदगुरु को बिल्कुल आमने सामने देख सकते हैं पर केवल तभी जबकि के वे तीसरे तिल तक पहुंच जाएं, या जब सदगुरु अपनी कृपा और दया मेहर से उन्हें कभी कभी तल्लीनता की अवस्था में या स्वप्न में दर्शन दे दें आमतौर पर सत्संगी को भजन सिमरन में हर रोज ढाई घंटे का वक्त देना चाहिए जैसा कि नामदान के समय हमेशा जोर देकर समझाया जाता है जब आप सिर्फ चालीस मिनटों के लिए ही बैठते हैं तो आपको दर्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इतना समय तो मन को स्थिर करने के लिए भी काफी नहीं होता सदगुरु हमारे अंतर में हैं पर उनके दर्शन करने के लिए हमें सिमरन द्वारा अपने मन को बाहरी वस्तुओं से तथा अपने शरीर से भी समेटना है अगर आप नियमित रूप से और पक्के इरादे से अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आपको उनके दर्शन होंगे अगर आपके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं तो उन्हें हटा दें अगर ऐसा ना हो सके तो कुछ समय के लिए आंखें खोल दें और धीमे स्वर में नाम का जाप करें जब तक बुरे विचार गायब ना हो जाएं, तब फिर से आंखें बंद करके और ध्यान को दोनों भावों के बीच में टिकाकर मन ही मन से करें आप ठीक कहते हैं शांति और सांत्वना अंदर से आती है सतगुरु हमारे अंतर में हैं हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमेशा हमारी सहायता के लिए तैयार हैं केवल ध्यान को अंतर्मुख करने की जरूरत है ताकि हम उनके संदेश को ग्रहण कर सकें और उनके द्वारा दी जा रही दया मेहर को अनुभव कर सकें वे भली प्रकार जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है सांसारिक धंधों और कामनाओं में डूबे रहने के कारण हम अंतर में उनसे संबंध नहीं जोड़ पाते यही कारण है कि जो कुछ वे हमारे लिए कर रहे हैं हम उसकी कद्र और कीमत नहीं समझ पाते पिछहत्तर सच्ची स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति काल और माया की सीमाओं को पार कर लेने पर मिलती है आपको पहले ही मार्ग पर लगाया जा चुका है और आपके प्रेम और लगातार प्रयत्नों से आपको लक्ष्य की प्राप्ति बहुत कठिन नहीं लगनी चाहिए मैं आपकी प्रेमपूर्ण भावनाओं की बहुत कद्र करता हूं पर यह चाहूंगा कि आप अपनी सभी भावनाओं और विचारों को अंतर की ओर मोड़ें इससे ऊपर जाने में बहुत सहायता मिलेगी आपको अपने प्रश्न का सही और सच्चा उत्तर अंदर जाने पर मिलेगा असल में वहां पूछे बगैर ही अपने आप प्रश्न का उत्तर मिल जाता है बाहरी दृष्टि से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपका आत्मा से तथा इस जिंदगी के बाद के अस्तित्व से क्या तात्पर्य है आत्म-साक्षात्कार या आत्मा का ज्ञान जैसा आपने इस समय तक निसंदेह जान लिया है केवल तभी होता है जब हम काल और माया की सीमाओं को पार कर लेते हैं अर्थात तीसरे मंडल में पहुंच जाते हैं संतमत के अनुसार आत्मा तभी सत्पुरुष की सच्ची भक्ति करने के योग्य होती है संतों के अनुसार लीन होना यह नहीं है कि कुछ भी न रहे बल्कि इसका अर्थ एक अधिक पूर्ण गहरा और ऊंचा जीवन है